गाइस आप लोग देख सकते होंगे ये डंपर का पार्किंग एरिया है और अभी दिन का दोपहर हो रहा है और सेकंड शिफ्ट है ड्यूटी। सब कोई अपना अपना गाड़ी के पास जा रहा है, चेक चेक करके अभी गाड़ी निकालेगा, उसके बाद माइंस का व्यू दिखाते हैं आप लोग को गाइस। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सुदीप और मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस आज मैं जिस गाड़ी का ड्राइविंग करता हूँ उस गाड़ी के बारे में आप लोग को बताऊंगा। गाइस आप लोग जानते होंगे कि आप लोग अगर कुछ भी काम करते हो ना तो उसका बारे में आप लोग को जानना जरूरी होता है ना दोस्त, वैसे ही मैं भी अपना हॉलपैक ड्राइविंग के बारे में आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ आज। गाइस मेरा भी एक इच्छा था कि मैं एक दिन हॉलपैक चलाऊंगा। मैं हॉलपैक चला रहा हूँ अभी 5 साल से। तो गाइस आप लोग भी अगर हॉलपैक चलाना चाहते हो तो वीडियो को देखिए और जानकारी लीजिए और कुछ, क्योंकि हम लोग का ड्राइवर लोग का बस गाड़ी चलाना रहता है लेकिन वहाँ इंटरव्यू में इतना सारा सवाल करते हैं, वो मैकेनिकल का सवाल करते हैं, तो इसके लिए वो गाड़ी का पार्ट्स के बारे में, गाड़ी का सिस्टम के बारे में आप लोग को जानना जरूरी। तो हॉलपैक में आप लोग चढ़े नहीं, हॉलपैक अगर आप लोग हॉलपैक को सामने से देखे नहीं तो फिर चलाओगे कैसे। तो यही वीडियो के जरिए हम लोग हॉलपैक को हॉलपैक का बारे में जान सकते हैं गाइस, इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखिए और कुछ जानकारी लीजिए। तो गाइस मैं जो गाड़ी का ऑपरेटर हूँ वो गाड़ी है कैटरपिलर का हॉलपैक और उसका गाड़ी का मॉडल नंबर है 770G। तो चलिए गाइस आज आप लोग को 770G का सर्विस रिफ्यूल कैपेसिटी के बारे में आप लोग को बताता हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस ये जो कैटरपिलर 770G का इंजन का मॉडल नंबर है C15 ACRT और इसका 6 सिलेंडर इंजन है। इसका ग्रॉस हॉर्स पावर है 511 और नेट हॉर्स पावर है 483 और इसके इंजन वेल लगता है 38 लीटर्स। गाइस आप लोग देख सकते होंगे ये जो ग्रिल दिख रहा है ये रेडिएटर का ग्रिल है और ये रेडिएटर का कैपेसिटी है 125 लीटर्स है, ये कूलेंट कैपेसिटी इसका। आप लोग देख सकते होंगे गाइस ये फ्यूल टंकी, ये फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है 530 लीटर और यहाँ पे उसका गैस दिया हुआ है। ये ट्रांसमिशन वेल टॉप अप 64 लीटर लगता है और ये ट्रांसमिशन का फिल्टर। फ्रंट का सस्पेंशन इसमें वेल लगता है 11.6। गाइस आप लोग देख सकते होंगे ये रियर साइड का सस्पेंशन इसमें वेल लगता है 9.2 और ये जो डिफरेंसर दिख रहा है ये डिफरेंसर में वेल लगता है 180 लीटर्स, इसमें 180 लीटर्स वेल लगता है। ये लेफ्ट साइड फाइनल ड्राइव 22.5 लीटर वेल लगता है, राइट साइड फाइनल ड्राइव 22.5 लीटर वेल लगता है। ये आप लोग देख सकते होंगे गाइस ये ग्रीस सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक ग्रीस होता है इसमें और ये जो स्टेयरिंग हाइड्रोलिक टैंक है इसका कैपेसिटी है 87 लीटर और ये ब्रेकफास्ट का टैंक है, ये ब्रेकफास्ट हाइड्रोलिक टैंक है इसका कैपेसिटी है 227 लीटर। आप लोग देख सकते होंगे गाइस आगे पे मशीन है और जगह देखिए कितना कंजेस्टेड है और यहाँ पे मेरे को रिवर्स करके लगाना है। इतना छोटा सा गाड़ी जगह में इतना बड़ा गाड़ी रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 10 बार आगे पीछे करना पड़ता है। गाइस आप लोग देख सकते होंगे जगह कितना छोटा सा है, यहाँ पे मेरे को रिवर्स करना है। गाइस आप लोग
होंगे, मेरे को कैसे रिवर्स करना पड़ रहा है। और इतना छोटा सा जगह में इतना बड़ा गाड़ी को घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पीछे लग गया। यहाँ पे माइंस में थोड़ा जगह का कंजेस्टेड है, थोड़ा रिवर्स बस करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। गाड़ी का बीच में स्टेयरिंग है, जगह इतना कंजेस्टेड है कि छोटा सा जगह में दो तीन बार आगे पीछे करके मतलब घूमता है गाड़ी, नहीं तो नहीं घूमता। बहुत दिक्कत होता है गाड़ी को यहाँ घुमाना। रिवर्स में इतना लंबा लीड में बैक करके लगाना, वो भी मिरर में, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग देख सकते होंगे गाइस, लेकिन क्या करेगा, कंपनी में चलाना पड़ता है। रसर एरिया है, गाइस आप लोग देख सकते होंगे ये क्रेशर एरिया है। माइंस के नीचे से हम लोग माल लेके आते हैं और यहाँ पे क्रेशर में डंप करते हैं। आप लोग देख सकते होंगे कैसे गाड़ी खाली कर रहा है। यहाँ पे टोटल 5 गाड़ी खाली होता है, एक साइड में 3 गाड़ी और एक साइड में 2 गाड़ी। आप लोग जानते होंगे गाइस कि ड्यूटी ऑन टाइम में मोबाइल चलाना अच्छा नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोग के लिए छोटा मोटा वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।